I'm a ghost. थार गाड़ी बहुत सारी देखी है दोस्तों आपने, थार के मॉडिफिकेशन भी बहुत सारे देखे हैं दोस्तों आपने, लेकिन ये थार कुछ अलग है। अलग इसी के लिए है क्योंकि ये 3.0 थार है। ये स्पेशली हैदराबाद से कार आई है अपग्रेड होने के लिए, स्पेशली जो आई है माफिया 3.0 बनने के लिए। कस्टमर को हमारा पिछला माफिया 2.0 का वीडियो इतना अच्छा लगा, बोला तनवीर भाई क्या स्टैंड आउट, क्या लुक, ना आपने अलॉय चेंज किया है, ना आपने बम्पर चेंज किया है, फिर भी थार कुछ अलग है। तो प्राउडली आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ महिंद्रा थार 3.0 इन माफिया एडिशन। ये साइड प्रोफाइल ऑफ द कार से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये कार जितने फेंडर फुटरेस्ट मिरर है, इसे हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर किया है दोस्तों। इसमें रेगुलर वही फेंडर मैट फिनिश के लग के आते थे, लेकिन एक हाई ग्लॉस ब्लैक करने के बाद एक लुक, एक स्टैंड आउट, एक रोड प्रेजेंस किस तरीके से आती है। एलॉय व्हील्स भी हमने हाई ग्लॉस ब्लैक किए हैं विद द थार एलिमेंट रेड, कैलिबर भी हमने रेड कलर के किए हैं, ऑल द फेंडर विद द फुटरेस्ट। दोस्तों इसकी कुछ बात ही कुछ और है, दिस इज द नेक्स्ट लेवल थार। ये कार जो टू टोन है, जो इसका टॉप भी है, हमने हाई ग्लॉस ब्लैक किया है। ये भी मैट फिनिश का आता था, लेकिन कुछ तो अलग करना था दोस्तों। जो मेटालिक ग्रे कलर की कार में हाई ग्लॉस के साथ जो टू टोन हमने प्रेजेंट की है, दिस इज नेक्स्ट लेवल। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा पूरे तेलंगाना हैदराबाद को, सो मच ट्रस्ट
देने के लिए। तो फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने टॉप फायर की ग्रिल इंस्टॉल की है, व्रैंगलर स्टाइल हेडलाइट इंस्टॉल की है जो इसका इंट्रोडक्शन ब्लू आता है एंड विद द इंडिकेटर के साथ आता है। फ्रंट बम्पर भी हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का किया हुआ है दोस्तों। एक सिर्फ बोलूँगा 5 सेकेंड फ्रंट एंड साइड में एक एडमायर करके देखिए लुक और स्टैंड आउट किस तरीके से आता है। ये लग रही है कि नहीं माफिया 3.0। हमर लाइट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है। मिरर भी हमने विद द थार रेड एलिमेंट के साथ किए हुए हैं। एक्चुअली मैं महिंद्रा को भी टॉप वेरिएंट में हाई ग्लॉस ही देना चाहिए। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने स्टेपनी का कवर भी इंस्टॉल किया है, रियर की टेल लाइट्स भी हमने इंस्टॉल की है एंड ऑल द बम्पर यानी पूरी कार हो गई फ्रंट साइड बैक हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की हमने की हुई है। लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग करना था, कस्टमर इतनी दूर भरोसा लेके आए हैं, ये चीज़ लेने आए हैं, आपने बिफोर के शॉट्स देखे हैं और आफ्टर के देखे हुए हैं, फ़र्क है। अब आएंगे द वाव फैक्टर ऑफ द कार में दोस्तों। एक एक हमारी लेदर पैडिंग की फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं ब्लैक विद द क्रैनबेरी के साथ। ऑल द ट्रिम्स जो हैं हमने स्पार्कलिंग ब्लैक कलर के किए हुए हैं। जो इनर हैंडर है स्पार्कलिंग ब्लैक विद द क्रैनबेरी के साथ। थार एलिमेंट भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन ये मेन लग्जूरियस इंटीरियर बनाती ही ये चीज़ में। लेदर रैपिंग की फिटमेंट फिनिशिंग परफेक्शन है दिस। सीट कवर मैक ट्रिम्स के द अल्ट्रा सॉफ्ट सीट कवर ब्लैक विद द क्रैनबेरी के साथ। एक एक आप कुशन का पार्ट इसका चेकआउट कर सकते हैं, एक एक पाइपिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आएंगे, अगर मैं बात कर रहा हूँ लग्जूरियस की, जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द स्टेयरिंग दोस्तों। अप डाउन स्पार्कलिंग विद द क्रैनबेरी के जो एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हुए हैं। प्योर लेदर का रैप है, हॉर्न पैड एरिया की फिनिशिंग, दिस इज अमेजिंग दोस्तों। वेंट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। जो रियर का पोर्शन भी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, स्पार्कलिंग ब्लैक किया है। क्लस्टर भी स्पार्कलिंग ब्लैक कलर का किया है। जो फ्रेम है प्लेयर की एंड प्लस जितना कंसोल का एरिया है दोस्तों वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज द वाव विद द स्पार्कलिंग इफेक्ट्स के साथ। एक एक हैंडल की फिनिशिंग एंड लेफ्ट डोर की विद द एक्टिव एम्बियन लाइटिंग स्पार्कलिंग इफेक्ट्स एंड द डोर लेदर रैपिंग दोस्तों। एक एक हमारी आर्मरेस्ट जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, फ्रंट की जो आर्मरेस्ट है फिटमेंट, जो रियर की हमारी आर्मरेस्ट है उसकी फिटमेंट फिनिशिंग विद द चार्जिंग पॉड के साथ आते हैं, विद द थार नेम एलिमेंट प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी के साथ है दोस्तों। इसके अंदर ये कार कुछ अलग है, अमेजिंग है। जो हमारे स्पीकर्स के पैनल्स हैं वो भी टू टोन में हमने किए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और टू टोन हाइड्रो डिपिंग की हमारी फिनिशिंग वर्क आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से है। ये जो रिंग है छोटी सी रिंग लेकिन लग्जूरियस इंटीरियर में ये सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है लुक एंड द स्टैंड आउट के लिए दोस्तों। मिस्टर श्रीकांत सर हमारे पास आए, वीडियो तो देखा ही था और काफ़ी तो मेरे क्रेटास वगैरह के वीडियो देखे हैं। हैदराबाद काफ़ी दूर है, कस्टमर आए, बिलीव करो अभी तक वो आए नहीं, सिर्फ मुझे चाबी दी उसी टाइम बैठे, फ्लाइट बुक कराई, हैदराबाद रिटर्न गए। और तन्वीर भाई मैं कभी आपको फ़ोन भी नहीं करूंगा और मुझे फ़ोटो भी मत प्रेजेंट करना, आई हैव 100% ट्रस्ट ऑन यू, क्योंकि आप मुझे जो ये कार प्रेजेंट करोगे वो एक नेक्स्ट लेवल है, इतना तो मैं वीडियो देख के जान चुका हूं। अगर मैं आप पे भरोसा करूंगा 100% तो आप 500% मुझे रिटर्न में दोगे। तो ये लुक, ये स्टैंड आउट, ये रोड प्रेजेंस मुझे देना ही था उनको, द माफिया 3.0 एडिशन जो मैंने प्रेजेंट की है। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये हमारा 3.0 एडिशन आपको किस तरीके से लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हाँ दोस्तों, मेरे को इतना फ्री हैंड दिया था, मैं चाहता था ना मैं अलॉय व्हील भी चेंज करता था, मैं चाहता था ना बम्पर के बम्पर चेंज करता था, फेंडर्स भी चेंज करता था, लेकिन मुझे थार को थार ही रखना था, मुझे कोई दूसरी तीसरी गाड़ी के बम्पर वगैरह नहीं लगाने थे। लेकिन इतना मैं बोलता हूँ, रोड पे चले ये वाली कार
और कोई पलट के ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने मुझे एक ही मेरे से प्रॉमिस मांगी थी, जब मैं हैदराबाद में मेरी गाड़ी चले ना, पलट के देखने चाहिए, मेरा नाम तो होगा लेकिन साथ में मैं भी प्राउडली बोल सकूंगा कि ये कार विग ऑटो एसेसरीज वाशी नवी मुंबई से मॉडिफाई हुई है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मिस्टर श्रीकांत फ्रॉम हैदराबाद, पूरी थार माफिया एडिशन 3.0 हमने मॉडिफाइड की है। मैं हर वक्त आप लोगों को बोलता हूँ ना, कस्टमर आते हैं, चाबी देते हैं, अरे कस्टमर तो आए, एंट्री की, चाबी दी, तनवीर भाई मैं कभी आऊं? मैं बोला किसके लिए, मॉडिफाइड कर दो पूरा। उसी टाइम आए, फ्लाइट की टिकट बुक कराई और अभी कार डिलीवर लेने के लिए आए हुए हैं। बिफोर एंड आफ्टर तो ड्रास्टिक चेंज है, वो तो आपने देखा ही है। सर का एक एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इतनी दूर से हमारे पे ट्रस्ट करना वर्थ था क्या नहीं था इनके लिए, और अब जो मैंने कार इनको प्रेजेंट की हुई है, श्रीकांत अन्ना किस तरीके से लगा? अच्छा लगा है मेरे को भाई, आप बोला बोलने का मत नहीं है, और को मेरे को दिखा है गाड़ी कैसे है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हनुमान कैसा रहा है? बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। मैं YouTube में देखा आपका वीडियो, देख के आया, मगर परफॉर्मेंस अभी दिखा है, क्योंकि वीडियो में भी जो आप देखते हैं माफिया और वो, और लाइव जो आपकी गाड़ी जो मैंने प्रेजेंट की है कि किस तरीके से, इसके लिए मैं 15 दिन आपके पास गाड़ी छोड़ के गया था ना। थैंक यू सर। और एक चीज है, जैसे मैंने वीडियो में भी बोला ना, इन्होंने मेरे से फोटो मांगा ना, कब ये है, कोई टाइम लिमिट नहीं थी, कोई बजट लिमिट नहीं था, डू वॉट एवर, मतलब तनवीर भाई आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन एक ही बात है, मेरी कार जब रोड पे चले ना तो आदमी पलट के देखना चाहिए। और एक मेरे माइंड में था, मुझे थार मॉडिफाई करनी है, मेरे को एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है इनकी कार के अंदर, और जितना हो सका मैंने अल्टीमेट जॉब किया, इसी के लिए मैं हर वक्त वीडियो में बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपके हैदराबाद को और आंध्र प्रदेश को फॉर गिविंग सच अ सपोर्ट। मैं आएगा तुम लोगों को मिलने के लिए, सब लोगों को हैदराबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू हनुमान, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर सपोर्ट, जो भरोसा आप लोगों ने दिया हुआ है। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस।